गुड मॉर्निंग 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न आवर नेक्स्ट फॉर्मूला ए प्लस बी होल क्यूब मीन्स एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी होल क्यूब। तो देखो ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू मीन्स थ्री टाइम्स ए ब्रैकेट का हमें क्या करना है मल्टीप्लीकेशन। तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो अभी देखो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए मीन्स क्या होता है ए प्लस बी इंटू हम दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और ए प्लस बी तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। इसका एक्सपेंशन क्या है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ हमें क्या करना है ए से ए ब्रैकेट को सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी बी से ए ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है साइन आएगा प्लस प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी ए से मल्टीप्लाई करेगा तो देखो ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब ए इंटू टू ए स्क्वायर ए इंटू बी सॉरी ए बी मीन्स टू ए स्क्वायर बी। अभी बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है ए से ए इंटू बी स्क्वायर प्लस अभी बी से ए ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस टू प्लस वन थ्री ए स्क्वायर बी प्लस अभी प्लस थ्री इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इसका ए प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन कैसे आएगा ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ए फॉर्मूला का एक्सपेंशन है। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट आई शो यू दैट सॉल्व एग्जांपल एक्स प्लस थ्री होल क्यूब। तो देखो पहले फॉर्मूला लिख के ले लो ए प्लस बी क्यूब फॉर्मूला क्या है एक्सपेंशन इसका ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हियर ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू थ्री। तो एक्स क्यूब एक्स प्लस थ्री क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू थ्री स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब मीन्स बी क्यूब इधर आएगा। तो एक्स क्यूब थ्री इंटू एक्स इंटू थ्री थ्री इंटू थ्री नाइन नाइन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री स्क्वायर नाइन नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन इंटू एक्स ट्वेंटी सेवन एक्स प्लस थ्री क्यूब ट्वेंटी सेवन। ईजी है। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.2। एक्सपांड फर्स्ट एग्जांपल है के प्लस फोर क्यूब। पहले तो ऐसे लिख के ले लो ए इज इक्वल टू क्या आएगा के एंड बी इज इक्वल टू फोर। तो तुम लोगों को इजी पड़ेगा। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला भी लिख के ले लो ए प्लस बी होल क्यूब और इसका एक्सपेंशन क्या आएगा ए क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर बी प्लस थ्री इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो तुम्हें इजी पड़ेगा। अभी ए क्यूब मीन्स क्या के क्यूब प्लस थ्री इंटू ए का स्क्वायर मीन्स के का स्क्वायर इंटू बी फोर प्लस थ्री इंटू के इंटू
फोर का स्क्वायर प्लस फोर का क्यूब, तो देखो क्या आता है, के क्यूब ऐसे आएगा प्लस थ्री इंटू फोर ट्वेल्व इंटू के स्क्वायर, ट्वेल्व के स्क्वायर प्लस थ्री इंटू फोर का स्क्वायर क्या आता है सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट, फोर्टी एट के प्लस फोर क्यूब सिक्सटी फोर, आंसर क्या है के क्यूब प्लस ट्वेल्व के स्क्वायर प्लस फोर्टी एट के प्लस सिक्सटी फोर, मीन्स फोर का क्यूब सिक्सटी फोर। ओके ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट एग्जांपल। अभी नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ तुम्हें, रिमेनिंग यू सॉल्व आई थिंक सिक्स एग्जांपल फ्रॉम योर प्रैक्टिस सेट, सिक्स एग्जांपल है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होल क्यूब, तो हियर ए इज इक्वल टू एक्स एंड बी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। हर टाइम तुम लोग फॉर्मूला लिख के ले लो, मीन्स तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे। ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अभी यार हमारा ए इज इक्वल टू क्या है एक्स है और बी इज इक्वल टू क्या है वन अपॉन एक्स है, तो ए क्यूब मीन्स एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू बी वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। अभी ऐसा लिखो एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स वन अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। तो अभी एक्स क्यूब प्लस देखो ए एक्स कैंसिल होगा, ए एक्स कैंसिल होगा, तो इधर खाली एक ही एक्स बचा है मीन्स हियर रिमेन वन एक्स, तो एक्स इंटू वन एक्स, सो हियर कमिंग थ्री एक्स प्लस हेयर इज सेम ऑल्सो एक्स, एक्स कैंसिल होगा तो थ्री इंटू वन थ्री अपॉन एक्स प्लस अभी देखो वन का क्यूब क्या आएगा वन ही आएगा, सो हेयर वी राइट वन अपॉन एक्स क्यूब। ओके हेयर यूर एग्जाम्पल इज कम्प्लीट, यू ऑब्जर्व दिस केयरफुली देन यू अंडरस्टूड। ओके नाउ सी नेक्स्ट फॉर्मूला ए माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी क्यूब एक्सपेंशन ऑफ दिस थर्ड फॉर्मूला ए माइनस बी होल क्यूब, तो सेम है एज इन द सेकेंड फॉर्मूला, खाली साइन चेंज होते हैं। देखो ए माइनस बी होल के क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा a माइनस बी इंटू ए इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी, तो फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी स्क्वायर एज इट इज। फर्स्ट जैसे हमने इसका a माइनस बी a प्लस बी का एक्सपेंशन किया था वैसे ही a माइनस बी का एक्सपेंशन करना है, तो a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में जैसे है वैसे ही रहेगा, तो ए माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो फिर से वैसे ही मल्टीप्लाई करना है ए ब्रैकेट से ए ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, ए से पहले करो ए इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस टू ए स्क्वायर बी प्लस, खाली देखो इधर साइन चेंज हो गया, इधर प्लस था इधर माइनस हो गया, प्लस इधर का साइन ऐसे ही रहेगा प्लस प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी प्लस टू ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी बी प्लस
थ्री ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, प्लस का जैसा फॉर्मूला वैसे ही खाली साइन चेंज होता है इधर, और लास्ट का बी क्यूब का जो साइन है वही चेंज होता है, बाकी एज इट इज जैसे फर्स्ट फॉर्मूला वैसे ही फॉर्मूला रहता है। तो अभी फर्स्ट एग्जांपल तुम्हें सॉल्व किए करके दिखाया, देखो x माइनस टू होल क्यूब, तो फर्स्ट आएगा x माइनस टू होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ए का स्क्वायर मीन्स एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू, सॉरी इंटू टू प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू टू स्क्वायर माइनस टू क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस थ्री इंटू टू सिक्स एक्स, सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व एक्स प्लस टू का क्यूब क्या है एट, माइनस एट। तो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 5.3। प्रैक्टिस सेट 5.3 हमारा फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन आएगा ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, तो अभी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 से। तुम्हारा फर्स्ट एग्जांपल है 2m माइनस 5 क्यूब, तो a इज इक्वल टू 2m एंड b इज इक्वल टू 5, तो a क्यूब मीन्स 2m क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू b 5 प्लस थ्री इंटू ए टू एम इंटू बी मीन्स फाइव माइनस बी क्यूब, फाइव स्क्वायर एम क्यूब, टू का क्यूब क्या है एट, तो आएगा एट एम क्यूब माइनस थ्री इंटू टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू फाइव इंटू थ्री, देखो ऐसा आएगा थ्री इंटू फोर एम स्क्वायर इंटू फाइव प्लस अभी थ्री इंटू 2m मीन्स ए 6m आएगा इधर, 6m इंटू फाइव स्क्वायर 25 माइनस फाइव का क्यूब क्या आएगा 125, तो देखो 8m क्यूब माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव जा 60, 60m स्क्वायर प्लस 25 इंटू 6, 25 सिक्स जा 150m माइनस फाइव क्यूब मीन्स 125, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, इजी है, देखो नेक्स्ट वन आई एम शो यू सिक्स एग्जांपल, देखो टू पी माइनस वन अपॉन टू पी क्यूब, हियर ए इज इक्वल टू टू पी एंड बी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पी,
first a square means 2 a cube means 2p cube minus 3 into a square means 2p square into b means 1 upon 2p plus 3 into a means 2p into b square means 1 upon 2p square minus 1 upon 2p cube. तो देखो 2p क्यूब मीन्स 2 का क्यूब 8p क्यूब माइनस अभी एक्सपांड करो 3 इंटू 2 का स्क्वायर आएगा 4p स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2p प्लस 3 इंटू 2p 6p इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब मीन्स 8p क्यूब माइनस देखो 2 1 2 2 2 4 एंड हेयर p स्क्वायर है हेयर 1p है तो 1p इधर से कैंसिल होगा तो क्या आएगा इधर 2p आएगा 2 × 3 6p प्लस 6p इंटू 4p स्क्वायर तो इधर भी ऐसे आएगा 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 एंड p 1p कैंसिल होगा मीन्स हियर रिमेन 2p तो 3 × 1 = 3 अपॉन 2p 3 अपॉन हियर ओनली रिमेन 2p माइनस 1 अपॉन 8p क्यूब ये हो गया तुम्हारा आंसर. ओके क्लियर इट. नाउ सी ये कैसे करना है जैसे एग्जांपल फिफ्थ एग्जांपल देखो 198 होल क्यूब इसका स्प्लिट करना है तुम लोग 100 प्लस 98 कर सकते हो या 200 माइनस 2 ऐसे भी स्प्लिट करके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो 100 प्लस 98 ऐसे करके या 200 माइनस 2 स्प्लिट करके तुम लोग सॉल्व कर सकते हो. ओके हियर वी स्टॉप. यू सॉल्व दिस एग्जांपल्स एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू.